हाय फ्रेंड, रीमा चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से हमने कोई वीडियो नहीं डाला, इसलिए काफ़ी टाइम हो गया, इसके लिए सॉरी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि घर में बेकार पड़े कपड़ों से काम की चीज़ें कैसे बनाएंगे। जैसे आपके घर में दुपट्टा है, साड़ी फट गई है, कोई भी कपड़ा आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर थोड़ा साड़ी में आसान रहता है क्योंकि वो लंबा होता है और उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, और छोटे कपड़ों में उसको काट काट के उसको ज्वाइंट करके आपको करना पड़ेगा। तो देखिए, हमने एक डोरमेट बनाया है ना, इसमें आपको सिलने की ज़रूरत पड़ेगी ना इसमें धागे लगाने की ज़रूरत पड़ेंगे, एकदम सिंपल और आसान है। तो ये कैसे बनेगा, इसके लिए क्या क्या मेजरमेंट चाहिए आपको बताएंगे हम। सबसे पहले इसके लिए आप, हमने पुरानी साड़ी ले ली है, ये पुराना साड़ी है, तो इसको तीन भागों में कट करेंगे। जैसे ये आपका एक यहाँ है, एक कट यहाँ से लगाएंगे, मतलब पूरे लंबाई में आपको तीन कट मारनी है। देखिए, इसको फाड़ देना है। इस तरीके से आपको लंबा करके इसे फाड़ देना है। एक टुकड़ा इसमें से और करना है इसको। इन बीचों बीच से काट दीजिए। इसको भी ऐसे ही काट देना है। ये साड़ी फट गई है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे ये दिखाते हैं आपको। तो इसको किसी चीज़ से ऐसे पकड़ लीजिए, पकड़ने के बाद दो, कम से कम दो बित्ते पे इसको यहाँ से पकड़ लीजिए। अब आपको करना क्या है, ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसको ऐसे मोड़कर ऐसे अंदर से निकाल लेना है। ऐसे ये गांठ पड़ते जाएगा इसमें, इस तरीके से। फिर अब इसको ऐसे, ध्यान रखिए कि नीचे से निकालना है, ऊपर से नहीं, ऐसे। ऐसे फंदा देना है आपको, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगा इसमें बनाने में। फंदा थोड़ा ढीला ढीला करके बनाइए ऐसे, ऐसे फंदा बनता जाएगा आपका, आगे भी ऐसे ही बनाना है। ऐसे ऐसे आप फंदा डालते जाइए, इस तरीके से फंदा आपका डल जाएगा। जब ये यहाँ तक पहुँच जाए तो फिर इसको घुमा दीजिए, घुमा के इसको घुमाते रहिए, राउंड करते रहिए, जैसे कि इसमें हमने दिखाया है। इसमें देखिए, इसमें कैसे चारों तरफ से घुमा के बनाया गया है।
सेम इसी तरीका से इसको भी करना है। आप इसको जितना लंबा जितना चौड़ा बना सकते हैं बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आप इसको धोइएगा चाहे ये भीग जाता है तो जो धागे से बनाते हैं जो इसको सिलाई करके बनाया जाता है वो टूट जाता है, भीगने के बाद धागा कमज़ोर हो जाता है और टूट जाता है, तो ये डोरमेट ख़राब हो जाता है। ये है लाइफ टाइम, ये कभी न टूटेगा न ख़राब होगा, ये जैसे के तैसा ही रहेगा और आसान भी रहेगा बनाने में। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर, ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आगे भी इस तरह के बहुत सारे वीडियो मैं बना बना के दूंगा आपको। बाय फ्रेंड।